हे वाहे गुरु, और तेरा लख लख शुक्र है। और सही कहंदे ने, अंत भला तो सब भला। और टोला बजाओ। की वेख रहे हो सरदार जी? दुनिया दी सब तो सोनी कुड़ी नू वेख रहे हो। सरब जी, आप क्या कर रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं। मेहर जी, सबने हमें बिछड़ते हुए देखा, अब मिलते हुए भी देखने दोनों। और वैसे भी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहां हमें कोई नहीं देख रहा, इसलिए एक किस्त तो बनती है। किस्त तो बनती है, लेकिन पहले मैं किस करूं? हायो रब्बा, एक ही सुन रहा मैं। देखिए और पूछ चलिए करिए। रेडी स्टेडी, बिल्कुल स्टेडी। हाय, मैं मर गई। एजवाई जी की तबीयत तो ठीक है ना? अख बंद करके मछली वकन मुंह बनाया। जवाई जी नू वेख, मछली वकन मुंह बनाया। है जी, रेडी हो गया, स्टेडी हो गया, को भी हो गया। अब वो कर दीजिए ना। अरे ये देखो जी, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? चेतन जी, कर लो रिकॉर्डिंग, बना दो ब्रेकिंग न्यूज। ये शादी और मंडप, और ये रहे दूल्हे राजा और दुल्हनिया। ये सरबजीत वो है जिसने अपनी बीवी का कत्ल कर अपनी मासूम का संध्या के साथ ब्याह कर लिया। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है चौटाला साहब। अरे चेतन जी, ब्रेकिंग न्यूज यू ना बनेगी। अपने दर्शकों को ये भी बताना है, यश ने अपनी दुगाई का कत्ल कर उसके सारे सबूत मिटा दिए, तब बनेगी ब्रेकिंग न्यूज। ओए चौटाले, तेरी ते मैं। मम्मी जी, राजन चौटाला, बहुत बढ़िया किया जो तू अपने साथ ये पुलिस वकील और मीडिया ले आया। ब्रेकिंग न्यूज बनानी है ना तुझे, नहर जी की मौत का सबूत चाहिए ना? कोई गाल नहीं, होने देना सबूत। ओ मैं क्या जी, सुनियो, इस छोरी ने पकाया है ना संध्या को, इतनी आसान मौत ना देवांगे। इसने तड़पा तड़पा के मारांगे। मेरे जिंदा होने का सबूत चाहिए था ना? मेरे सरबजीत जी की तरफ उंगली उठाने की कोशिश की ना, ये उसके लिए एक
औरत की जिंदगी बर्बाद की ये उसके लिए। तू जिंदा कैसे हो सके? तू जिंदा नहीं हो सकती, तने मैंने अपने हाथों से मारा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजन चौटाला ने किया अपना जुर्म कबूल। बताइए राजन जी, कब किया आपने ये खून, कैसे किया बताइए। ऑफिसर अरेस्ट हिम। छोड़, मैंने कुछ ना करा। मेहर ना है, मैंने छोड़। जो मेहर ना है कोई और है। ओए चौटाले, झूठ के पैर नहीं होते हैं। ये अपनी सारी दलीलें ना कोर्ट में जाके देना, क्योंकि तेरा सारा कच्चा चिट्ठा यहां इस पेन ड्राइव में। ले जाओ इनू। छोड़ बना लेके चलो इसे। छोड़। मेहर पुत्र, ए हराम खोर बोल क्या रहा था? हाँ मेहर, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। राजन कह रहा था उसने अपने हाथों से तुम्हें। सरबजीत जी के वहां से निकलने के बाद उसने मुझे सिंधा दीवार के पीछे चुनवा दिया। लेकिन अम्मा जी, संध्या की मम्मी जी ने मुझे बचाने का प्लान पहले से ही बना रखा था। उन्होंने दीवार के पीछे एक सुरंग बना रखी थी और उसे प्लास्टर से कवर कर रखा था। बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जी, आई ओके? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। बस इतना याद है कि मैं एक हॉस्पिटल बेड में थी, उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। इट्स ओके, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दीजिए। रिलैक्स जी, फिर जी पानी पी। रिलैक्स, सब खत्म हो गया, अब आप हम सबके साथ हैं। ओके, सो डोंट वरी। हमेशा सुना था कि पंजाबी बड़े दिलेर होते हैं, दरिया दिल होते हैं। आज देख भी लिया। और मैंने भी सुने कि रिश्ता होए या दोस्ती, हरियाणा वाले जम के निभाए से। खने क्यूट होए हरियाणा वाले, तन्ने मिलके मने यो बात समझ में आली छोड़ी। ओके, इसी बात पे अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, हरियाणवी माय डियर पंजाबी, पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सी मुश्किलें झेली हैं, बहुत से दुख झेले हैं, इसलिए आज हम सबको एक दूसरे से एक प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस? ओ प्रॉमिस? केड़ा प्रॉमिस? कि आज के बाद इस घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। आज के बाद गिल मैंशन में दुख और मुश्किलों की नो एंट्री, क्योंकि आज मेरी जिंदगी मेरी मेहर जी वापस लौटी है।
और वैसे भी आज तो संध्या जी की शादी है और शाम को इनकी विदाई भी, इसलिए आज हमारे पास पार्टी करने के लिए, धूम मचाने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए रीजंस ही रीजंस हैं। इसलिए आज की शाम इन दोनों बहादुर वो मनियाओं के नाम। वी आर रेडी, आज होगी पार्टी। क्यों डीजे यूवी? बिल्कुल बी फॉर परम। इस बॉल में जिसके नाम की चिट निकलेगी उसको उसके साथ डांस करना पड़ेगा। रेडी रेडी। मम्मा आप पहले स्टार्ट करो। ओके ओके। किसका नाम लिखा है मम्मा? मेरे सरदार जी का। ओ हट पर आ। रॉबी जी ओ तुसी मेरे नाल करोगे भांगड़ा? राणा मेरा आया है समीर। जीतो गिन्नी। चलो मम्मा पापा अब स्टार्ट करो। ओ, 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 अरे रुको रुको रुको। हाँ हाँ सुनो भाई सुनो। गाना चेंज हुआ है तो पार्टनर तो चेंज होने ही चाहिए है ना? करेक्ट यूवी। ओ वाजी वाह। मम्मा फिर से निकालो। बताओ ना महन मम्मा किसका नाम लिखा है? ओए, ओ बाजी वाह, ओ हट परे, ओ आजा कुड़िये साथ नाचेंगे। हरलिंदी मम्मा आपने तो नानी के नाम की चिट उठाई थी। तो फिर आपने नानी के साथ डांस क्यों नहीं किया? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं अभी आती हूँ। लेकिन मम्मा मैं मम्मा तुझ में बसा कर क्या हुआ मम्मी जी? जब से मेहर दीदी आई है आपके साथ डांस करना तो दूर, आपसे बात तक नहीं की है। ओ जब तेरे दहलीज के बाहर तेरा पति और तेरे तीनों बच्चों की लाश होनी है ना, तब तूने पता चलना है। और लिख दिया तूने? आओ दादी, जैसे आपने बोलता वैसे ही। मेरी मेहर मेरे साथ बात भी क्यों करे? मैं इस लायक भी नहीं हूं। मैंने अपनी कुड़ी के साथ जो गलत किया है दुनिया की कोई मां ने नहीं किया होगा। मम्मी जी बहुत देर हो चुकी है, मेरी कुड़ी ने मुझे कभी माफ नहीं करना। ओ चलो जी, ओ मैं बहुत थक गई हूं, मैं चलनी हूं। सस्रीकाल। क्या है यार नानी, क्यों जा रहे हो? इतने दिनों बाद तो हम सारे खुश हुए। नो आप कहीं नहीं जाओगे, इतना मजा आ रहा था, अब क्यों जा रहे हो? रुको ना। ओ तुम लोग मजे करो, ओ तुम लोग डांस करो, ओ मैं बहुत थक गई हूँ। नानी प्लीज, नानी प्लीज, नानी सुनो, नानी सुनो। कुड़िये अपना ध्यान रखी। बड़ी याद आएगी तेरी। जो आई वो ख्याल रखना मेरी कुड़ी का। आई गल समझ? ओ मेरा नाम है सरपंच कुलवंत कौर टिल्लो, और नहीं रखेगा ना तो मारांगी छत्तर। आप चिंता मत कीजिए, ऐसी नौबत में आने नहीं दूंगा। जिंदा रहे जो आनिया मानो।
मैं जानता हूं मेहर जी आप क्या सोच रही हैं, लेकिन आप नहीं जानती कि आपके जाने के बाद मम्मी जी ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वही करिए।